नहीं आएगा। और मंच पे उपस्थित हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय मित्र प्रमोद जी मुतालिक जी और मंच पे जितने भी गुरुगण उपस्थित हैं उन सबके चरणों को प्रणाम करता हूं। और आज आपके इस यादगिरि क्षेत्र में धर्म सभा का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या आप धर्म के लिए लड़ना चाहते हो? क्या आप देश के लिए लड़ना चाहते हो? उन लौ जिहादी हरामियों को जवाब देना चाहते हो? अगर जवाब देना चाहते हो तो इस मंच के माध्यम से जितने भी वक्ताओं ने जो जो बात कही है उसको इस कान से सुन के इस कान से निकालना देना, मन में बिठाना उसको, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, हमारा जो जन्म हुआ है, हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और पूर्व जन्म में हमने बहुत अच्छे पाप, यानी जो पाप नहीं करते हैं ना, जो पाप करते हैं ना, जो पाप नहीं करते पूर्व जन्म में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको जीवन में एक जन्म मिलता है, वो है हिंदू जन्म। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। तो आप कितने भाग्यशाली हो ये चीज को आप समझ सकते हो मेरे भाइयों। और आज हम आपको बस एक ही एक संदेश देने आए हैं कि आज भारत देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस षड्यंत्र को हमें नाकाम बनाना है मेरे भाइयों, बिल्कुल उस षड्यंत्र को हमें तोड़ना है, नाकाम बनाना है उस षड्यंत्र को हमें। मेरे भाइयों, आपके इस कर्नाटक में किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। आपके इस कर्नाटक में ऐसे वीर योद्धाओं को दबाया जा रहा है, भुला दिया जा रहा है आपके इस कर्नाटक क्षेत्र में। मेरे भाइयों, जिस राजाओं ने, जिस हरामियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, अपनी तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ऐसे हरामियों की जयंती आपकी कर्नाटक सरकार मना रही है। कौन था वो हरामी? कौन था वो? उस टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार मना रही है। क्या तुम्हें टीपू सुल्तान का इतिहास पता नहीं है? ये मैं कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं। अगर इतिहास पता नहीं है तो आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं इतिहास। टीपू सुल्तान ने कभी देश के लिए नहीं लड़ा मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान कभी देश के लिए नहीं लड़ा, वो देशभक्त नहीं था, वो हिंदू विरोधी था। वो टीपू सुल्तान ने सिर्फ मैसूर किले के लिए लड़ा, उसको हत्याने के लिए लड़ा, जो हमारे हिंदू राजाओं से छीना हुआ किला था। वो टीपू सुल्तान को देशभक्त कहने वालों, टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वालों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये वो टीपू सुल्तान है जिसने एक समय में 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया था। मेरे भाइयों, एक समय में 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया था। राम की अंगूठी पहनता था और राम भक्तों को पागल बनाता था। वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता था कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर नहीं था वो, हिंदू विरोधी था वो। आपके इस कर्नाटक राज्य में ऐसे टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जा रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपको वोट बैंक की राजनीति खेलना ही है तो देशभक्तों की जयंती मनाएं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाए जो आपके कांग्रेस के थे। अगर आपको जयंती मनाना ही है तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाए जो कांग्रेस के थे। अरे वोट बैंक की राजनीति खेलो। जो भी मुख्यमंत्री होता है वो चाहता है कि वोट मुझे मिले, सत्ता पे राज करे, लेकिन इस सत्ता के लालच में हिंदू समाज जो सर्वनाश हो रहा है ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हिंदू समाज की रक्षा मेरे भाइयों इन राजनेताओं के द्वारा नहीं होगी, नहीं होगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और खास करके यहां पर उपस्थित हर वो नौजवानों को, क्या आप एक हिंदू योद्धा कहलाना चाहोगे या एक राजनेता कहलाना चाहोगे? हिंदू नेता कहलाना चाहोगे या राजनेता कहलाना चाहोगे? मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें। हिंदू योद्धा बनो ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं एक विधायक रहते पर भी मेरा एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र का, और ये सेक्युलरिज्म से अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी, सिर्फ हिंदूवादी नेताओं द्वारा, हिंदूवादी योद्धाओं द्वारा अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। मेरे भाइयों आज हमारे भारत देश में लोग ऐसे भी हैं जो जय श्री राम का नारा लेने के लिए शर्माते हैं, जय श्री राम का नारा लेने के लिए शर्माते हैं, और ये कहते हैं कि भैया हम बीजेपी वाला नहीं है जो जय श्री राम कहे। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, राम से बड़ा नाम जो राम का नाम लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ये मैं उनको बताना चाहूंगा। क्या आप सेक्युलर नेताओं का निर्माण करोगे या हिंदू नेताओं का निर्माण करोगे? हमें हिंदू नेताओं की आवश्यकता है मेरे भाइयों, क्योंकि आज हिंदू हित के लिए बात करने वाला कोई नेता तैयार नहीं है। जो बात करता है उसको दबाया जाता है, उसको दबाया जाता है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों आपको पता है मुस्लिम स्टेट कितने हैं? 52। क्रिश्चियंस देश कितने हैं? 54। एक भी हिंदू देश बताओ मुझे, क्या कहीं है क्या एक भी हिंदू देश? एक नेपाल था वो भी गया। अब हम सब लोग मंच पे उपस्थित हमारे प्रमोद जी, जितने भी साधु संत हैं, ऐसे कई जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनका एक सपना है मेरे भाइयों। उस सपने को आप ही पूरा कर सकते हो, सिर्फ हिंदू योद्धा ही वो सपने को पूरा कर सकता है, और हम सबका एक ही एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको यह वादा करता हूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन संघर्ष से बनेगा। यह साधु संतों की वाणी है कि बहुत ही जल्द अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक नींव रखी जाएगी, लेकिन जब नींव रखी जाएगी तो बहुत गड़बड़ होगी पूरे भारत देश में। जब भी गड़बड़ होगी हिंदू मार खाएगा। तो हमने पूछा साधु संतों से कि गुरुजी अगर हिंदू मार खाएगा तो अखंड हिंदू राष्ट्र का फायदा क्या है? तो उन गुरु ने कहा कि हिंदुओं को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। आज का युवा हिंदू किस मार्ग पे जा रहा है मैं पूछना चाहता हूं। आज का हिंदू फेसबुक व्हाट्सएप पे धर्म रक्षा करता है, फेसबुक पर बड़े बड़े वार हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे बड़े बड़े वार हो जाते हैं। क्या मैं इन नौजवानों को यह पूछना चाहूंगा, क्या फेसबुक पर धर्म रक्षा होती है क्या? क्या व्हाट्सएप पर धर्म रक्षा होती है क्या? ये नहीं होगा मेरे भाइयों। और आज का नौजवान धर्म के लिए बहुत कम सोचता है, और नशाबंदी एवं अनेकों प्रकार की आदतें पालता है। मेरे भाइयों ऐसा नौजवान हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकेगा, ऐसा नौजवान देश के लिए नहीं लड़ सकेगा। अरे तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकोगे तो तुम क्या अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ सकोगे? मेरे भाइयों अपने आप को मजबूत बनाओ,
लट तलवार एवं अनेकों प्रकार की विद्याएं आपको सीखना है। क्यों सीखना है हमें? क्यों सीखना है लट चलाना? हमें तलवार चलाना क्यों सीखना है? हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। अगर आपके घर में हथियार नहीं होगा तो आप अपने आप की क्या, अपने परिवार की भी रक्षा आप नहीं कर सकते मेरे भाइयों। क्या रखोगे? रखोगे हथियार? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे भाइयों जिसके घर में हथियार नहीं वो सुरक्षित नहीं। आज हमारे हिंदू समाज को जो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं उनको किस प्रकार से मारा जा रहा है। आपके इस कर्नाटक में जैसे स्वामी जी एक बात बोले, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोले, क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम? क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? क्या है? क्या है? पीपल फॉर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके कर्नाटक में तहलका मचा के रख दिया है मेरे भाइयों। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू नेताओं को मारा जा रहा है टारगेट करके। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने 19 हिंदू लीडरों का मर्डर किया है। इसने सिर्फ आइडेंटिफाई करना और उनका मर्डर करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां से आया? कौन है इसका कर्ता धर्ता? एक मुसलमान है, आजिम शरीफ, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है। बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता का मर्डर होता है, एक अधिकारी का मर्डर होता है, उस मर्डर के लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी डाला जाता है, NIA को डाला जाता है और एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। और उस व्यक्ति का जब इंटरोगेशन होता है तो वो व्यक्ति जब बोलता है कि हाँ हमने इसका मर्डर किया है, इसका नहीं और 19 लोगों के हमने मर्डर किया है कर्नाटक में, वही है इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष आजिम शरीफ। पहचानते हो क्या इसे? कहां रहता है साला? कहां रहता है? कहां रहता है? इसका पूरा एड्रेस निकाल के रखो, इसके फैमिली का पूरा एड्रेस निकाल के रखो। इसका एक भी कार्यकर्ता बचना नहीं चाहिए। जो हिंदुओं के प्रति उठी तलवार उस हरामी की गर्दन कटनी चाहिए। जो भी हिंदुओं को खत्म करने की बात करेगा, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिंदू शांत है आज। हिंदुओं को मत ललकारो, हिंदुओं का इतिहास उठाकर देख लो। अगर समझ में नहीं आया तुम्हारे बाप शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ लो। अरे ये वो शिवाजी था जो अफजल का सीना फाड़ कर अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर चलता था। अरे ये वो शिवाजी था जिसने अखंड हिंदू राष्ट्र की नींव रखी लेकिन दुश्मनों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया। मेरे भाइयों पीछे मत देखो, हम तो सामने हैं, हम तो सामने हैं, कोई पीछे आ रहा है क्या? तुम्हें शिवाजी बनना है या अफजल बनना है? तुम्हें शिवाजी बनना है या अफजल बनना है? मुझे संभाजी राजे महाराज जैसा बनना है। अरे ये वो संभाजी जिसने अपने आप को खत्म कर दिया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे भाइयों हमें उस संभाजी जैसा बनना है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों आज प्रमोद मुतालिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आज उपस्थित जितने भी गुरुगण बैठे हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे भाइयों अगर इनको बचाना है तो एक हिंदू 100 हिंदुओं को तैयार करे, एक हिंदू 100 हिंदुओं को तैयार करे। और जो भी ऐसे संतों को टारगेट करता है उस हरामी को टारगेट आप लोग करो। मैं हमारे मोदी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं
कि आज साधु संतों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और तेलंगाना राज्य की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि एक भी साधु संत का अगर एक खून का खतरा अगर इस जमीन पे गिरेगा तो ज्वालामुखी फटेगा। अरे हम तो मरने वालों में से है, और जो व्यक्ति मरता है तो 100 को लेकर मरता है, अकेले नहीं मरता है। तो मैं कहना चाहूंगा कर्नाटक की सरकार से कि हमारे साधु संतों को सुरक्षा मुहैया कराए। जो भी हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को आप सुरक्षा दे। अगर एक भी हमारे कार्यकर्ता या अधिकारी को अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाला टारगेट करेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी मैं कहना चाहूंगा इतिहास मिटा देंगे, इतिहास मिटा देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ में तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे। अरे तलवार पकड़ना तुम्हें नहीं हमें भी आता है, और हमें मत ललकार, अगर हमारी फिर गई तो अच्छे की फिरका देते हैं। एक हरामी हैदराबाद वाला हरामी क्या कहता है, इस बार नया कमेंट उसका, इस बार उस हरामी का नया कमेंट। और हमारे भाई मुझे बता रहे थे कि आला रे आला ओएसी का बाप आला। प्रमोद जी मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है। अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो साले तुम औलाद है। और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ। इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना, इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई, किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है और बेटा बाप से मत टकरा, इतिहास मिटा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर, बड़ा कुत्ता हो ऐसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं, हम 5000 का पान खा रहे। औरंगाबाद में एक पान शॉप है, उस पान की दुकान में हम पान शॉप में 5000 का पान खरीद के खा रहे, अगर तुम्हें होना है तो तुम भी खाओ, ऐसा उसका बयान है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा ओएसी तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर दूसरी शादी की उसका एक अंडा वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है, हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या, 1400 साल पहले क्या पान था क्या, आज ये 25 करोड़ की जनसंख्या कैसी बढ़ गई। इसलिए बताया कि हम तुम्हारे बाप है, और अगर पान खिलाना ही है तो ठीक है भाई, एक दो चार पाना खिला दे, और तेरे घर में जो भी फैमिली है उनको भी भिजा दे। तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते, और वो एक 5000 का पान हम खरीद लेंगे। भैया मैं 3 पान खाने को तैयार हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है वो हरामी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इसका निर्माण हुआ, देश की रक्षा के लिए उस संघ का निर्माण हुआ। और कहता है कि आज चड्डी में थे आज पैंट पहन लिए, बेटा वो चड्डी में थे और पैंट में आ गए तभी तो तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी, नहीं तो तुम्हारी जनसंख्या इतनी कहां से बढ़ती थी। भैया
पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन पान के साथ तुम्हारे घर वालों को भी भेजो। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर हिंदू योद्धा को आतंकवादियों से लड़ने के लिए तलवार पकड़ने की आवश्यकता है। विद्यालय ट्रेनिंग लो, कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जो मैं लट चलाना सीखना चाहूंगा? कितने लोग हैं यहाँ पर? ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही, अरे यार एक तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है खाली, बाकी के लोगों में शायद किला होगा, वो एक ही तलवार दिख रही, बाकी के तलवारें नहीं दिख रही। ये नहीं चलेगा। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में, क्योंकि हमारे गुरुजी क्या बोले कि अफजल की नाजायज औलादें पैदा होती जा रही है। गुरुजी क्या बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर हूं मैं, सामने पीछे नहीं हूं, अरे पीछे गोल टोपी वाले यार इधर देखो। गुरुजी क्या बोले, अफजल खान हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। हर घर से अफजल पैदा होगा, ये व्हाट्सएप पे मैसेज सुनाऊंगा, आपने देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज, एक दिल्ली का हरामी देशद्रोही क्या कहता है, हर घर से अफजल पैदा होगा। वो अल्लाह वाला क्या बोला पता नहीं मुझे, क्या बोला गुरुजी, हर घर से अफजल पैदा होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज खूब घुमा, जब ये मैसेज वायरल हुआ तो अफजल की अम्मा गोल हो गई, क्योंकि अब अफजल पैदा होना तो उसकी माँ से ही होना ना, बाजू वाले से तो पैदा नहीं होता ना गुरुजी, क्या कहते हो? अफजल पैदा होना तो किससे होना? उसकी माँ गोल, आज तक अंडरग्राउंड है, उसकी माँ सोचती है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और कितने अफजलों को पैदा करना पड़ेगा, हर घर घूमते 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 उसका क्या हाल होगा। और एक बात कहना चाहूंगा उस हरामी को, तू कितने भी अफजल पैदा कर, हम उन सभी अफजल हरामियों को मारेंगे, कितने पैदा करता कर। अरे कल का हिंदू गांधी जी टाइप था, कल का हिंदू गांधी जी टाइप का था, आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप का है। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। मेरे भाइयों, जिस दिन अयोध्या में बाबर का ढांचा गिरा, उस दिन हिंदुओं की बस एक ही आवाज थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं इस यादगिरी के नौजवानों को पूछना चाहूंगा कि कितने लोग चलेंगे अयोध्या? राम मंदिर बनाना है ना, राम मंदिर बनाना है ना। अरे पहले मुल्ले की सरकार थी, आज तुम्हारे बाप योगी की सरकार है, और ये योगी की सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ही, और जहां जहां बाबर की मस्जिदें गिरेगी हम उस मस्जिदों को खत्म कर देंगे। मैं अयोध्या के मुसलमानों को धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, अयोध्या के मुसलमानों को धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए उनका सहयोग बहुत जोर शोर से आ रहा है मेरे भाइयों। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबर की मस्जिद बनाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप किसकी मस्जिद बना रहे हो भाई? बाबर क्या इस देश का था क्या? अरे वो तो विदेश से आया था, वो भारत देश को लूटने आया था, यहाँ की महिलाओं का बलात्कार करने आया था, यहाँ की मंदिरें तोड़ने आया था। तो ये बाबर की नाजायज औलाद ने क्या बोलती है कि हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे? अरे अगर तुम्हें मस्जिद बनानी है तो अशफाक उल्लाह खां के नाम पर मस्जिद बनाओ, जिसने जे देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। अरे तुम्हें मस्जिद बनानी है, तुम्हें अब्दुल कलाम जी की मस्जिद बनाओ, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान दे दिया।
तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में दम है? उनको उन गद्दारों को पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे में दम है इन वीर योद्धाओं के नाम पर मस्जिद बनाए? मस्जिद बनाना है बाबर की, बनाओ। कैसा बनाते हम भी देखते, बनाओ। वो दिन दूर नहीं, समय आ चुका है मेरे भाइयों, 2019 से पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण होते ही रहेगा। और इस भव्य राम मंदिर के निर्माण को किसी बाबर की नाजायज औलाद नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती मेरे भाइयों। रोक सकती है क्या? मैं यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवानों के पास, सब अपना अपना फोन निकालो जो अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहते हैं, सब अपना अपना फोन निकालो। और कर्नाटक में हिंदू सरकार, कर्नाटक में हिंदू सरकार लाने के लिए सब अपनी टॉर्च खोलो, सब अपनी टॉर्च खोल के बताओ। अरे फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं। शक्ति को तैयार किया है और मैंने 100 कार्यकर्ताओं को तैयार किया और ये 100 कार्यकर्ता 1000 को तैयार करे, ये हिंदुओं की सेना कर्नाटक में तैयार हो चुकी है। ये मुझे रिजल्ट चाहिए मेरे भाइयों। अपने जीवन में टारगेट रखो, काम करो, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हम सब पे है मेरे भाइयों, हम सब पे है। ये बात ध्यान रखो मेरे भाइयों, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो क्या हम हिंदू होते? क्या हम हिंदू होते? अरे मेरे भाइयों, उस योद्धा को, बलिदान को याद करो, उस योद्धा का बलिदान को याद करो जिसने 39 डेज उन मुगलों का अत्याचार सहा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। उस संभाजी राजे को याद करो, क्या वो संभाजी महाराज को मारने वाले हरामियों से क्या बदला नहीं लोगे? क्या लेना है बदला? उन राम भक्तों की मौत का बदला लेना है? उन श्री राम सेना के जो भी कार्यकर्ता मर्डर हुआ वो बदला लेना है? तो आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा।
अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे, तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये हमारे से जीते हैं, हम उनसे नहीं जीते मेरे भाइयों। और जो ये नारे है ना, जो देश में रहकर, जो भारत देश में रहकर जो नारे देते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको हार्दिक स्थिति मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो मेरे भाइयों। अगर ये यादगिरी से प्रारंभ हो जाए और व्हाट्सएप फेसबुक पे बस एक ही एक मैटर होना चाहिए कि हमें धर्म द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है, हमें देश द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है। अगर आप ये वायरल करेंगे, मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। क्या आप चाहोगे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो? क्या आपको, आप चाहेंगे कि मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है? चाहोगे? बस चाहोगे तो आज से शुरू कर दो इनका बहिष्कार। जो भी देश के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार, जो भी धर्म के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार। आने वाले समय में आप खुद रिजल्ट देखेंगे और मुझे फोन करके बता देना। जय श्री राम। हेलो।